अरे यार वाओ, कितना सही बना हुआ है, कितना अच्छा है। ये देखो कितना मस्त दिख रहा है टेम्पल। तो ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता बर्ड पार्क और वाटर किंगडम के लिए है। तो हम यहाँ से वाटर किंगडम और बर्ड पार्क जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एरिया है, आप लोग ऐसे भी आ करके यहाँ पे बाइक राइडिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा स्कूटी की लाइन लगी हुई है, वाह। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर दिया। और पगोडा टेम्पल के अंदर एंट्री एकदम फ्री है, आप यहाँ पे फ्री में ही एंटर कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जस्ट घूम के आए हैं गोराई बीच। और आज गोराई बीच घूमने के बाद हम आ गए हैं पगोडा टेम्पल में, क्योंकि ये गोराई बीच के जस्ट बाजू में 5 किलोमीटर की दूरी है। तो हम इसे भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि ये पगोडा टेम्पल कैसा है। और बाहर से इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है, तो अंदर चल के तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और हमारे एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलो आपके साथ चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ बच्चे लोग देखो बस उतर रहे हैं, बस आ चुकी है 4 नंबर बस, और भयंदर स्टेशन से 4 नंबर बस यहाँ तक आती है गोराई बीच होके उतर नहीं गोराई बीच के बाद यहाँ पकौड़ा से फिर वापस की जाती है भयंदर। हाँ। तो आप चाहो तो 4 नंबर बस से जा सकते हो। हाँ। तो चलो भी चलते अंदर। और हाँ, हम गोराई बीच से अभी जस्ट आए हैं। हाँ। तो अगर आपने गोराई बीच का ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वो भी जाकर के देखो। तो ये है पगोडा टेम्पल का एंट्रेंस, और गेट ही इतना मस्त बना हुआ है कि एंट्रेंस ही देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रियल गोल्ड लगाया हुआ है, एंट्री फ्री है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो। और ये कितना बड़ा है। हाँ, ये बहुत ही लार्ज एरिया में है। ए जेंट्स राइट साइड, फीमेल। तो फीमेल की एंट्रेंस यहाँ से है और मेल की एंट्रेंस यहाँ से है। और यहाँ पे है इंफॉर्मेशन सेंटर, और हमें अपना बैग भी देना है। तो मेरा तो पूरा चेक हो चुका है और यहाँ पे टीवी पे इंफॉर्मेशन बता रहे हैं टेंपल के बारे में। चलो आगे। अरे यार वाओ, कितना सही बना हुआ है, कितना अच्छा है। इसका डिजाइन बहुत मस्त है। चलो और अच्छे से देखे भाई, मैं तो फोटो खींचने वाली हूँ अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा ये बड़ा सा बेल, जिसको बजा करके आपको एकदम मस्त साउंड आएगा, और इसका नाम है देखो बेल टावर। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और सब लोग बेल को बजा रहे हो, बहुत बड़ा बेल है। तो अभी हम लोग भी बेल बजाएंगे और देखते हैं हम कितने जोर से बजा पाते हैं। ताकत ही नहीं है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और पापा यहाँ पे अपनी व्लॉगिंग कर रहे हो, मैं यहाँ पे अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे हर चीज़ का नाम लिखा हुआ है। तो पहला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है एलिफेंट्स। और ये देखो यहाँ पे भी नाम की लिस्ट है, नामों की। अशोका पिलर, वॉशरूम्स, और नॉर्थ पगोड़ा, मेन पगोड़ा, व्यू गैलरी, सब कुछ है। तो चलो इसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। नीचे जो वाइट वाइट था ना, वो एलिफेंट ही था। अबे ये एलिफेंट है। तो यहाँ पे हमारा अचानक से आने का प्लान हो गया, इसलिए हम आपको पूरी हिस्ट्री बता नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे बना, कब बना और किसने बनाया, वो सब जो हिस्ट्री है वो सब हमने अभी तक देखा नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी मोटिवेशनल लाइंस लिखी हुई हैं। तो अंदर हमें यहाँ से एंट्री है, तो पहले हमें शूज़ उतारना है, फिर हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे डोनेशन बॉक्स भी, आप चाहो तो आप यहाँ पे डोनेशन भी देख सकते हो। अब अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा कर के आ गए, और हमने देखा कि अंदर जो हॉल में कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे, तो यही अंदर देखने मिलता है। तो इस जगह का नाम है व्हील ऑफ धामा गार्डन। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। तो ये गार्डन और यहाँ पे व्हील भी है, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि हवा भी चलती है। ये देखो कितना मस्त दिख रहा है टेम्पल।
और यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये पूरा इतना अच्छे से बनाया गया है भाई, यहाँ पे जाकर के दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे भी दो जन के स्टैचू बने हुए हैं और बाहर नाम लिखा हुआ था, इनका नाम था सत्यनारायण गोयनका और इनका नाम था इलायची देवी गोयनका। ये देखो, और यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। और इसके पीछे ही एक गार्डन भी है जो भी बहुत प्यारा दिख रहा है। और एक यहाँ पे भी तीन स्टैचू है। और अभी ये बंद होने का टाइम हो गया और ये बंद भी हो रहा है, तो हमें फटाफट से शूट करके जाना पड़ेगा यहाँ से। और ये है अशोक पिलर, ये देखो। इसका नाम है सयागी उबाकिन, तो ये शायद उनका स्टैचू है। और यहाँ पे शायद इसकी रिपेयरिंग हो रही है, तो यहाँ की एंट्री तो अभी बंद है। ये रूम है, हाँ ऐसा ही कुछ है। ये देखो आप, वहाँ पे कर्टन भी लगे हुए हैं। ये शायद रूम होटल कुछ ऐसा ही है। इसमें कैसे ऐसे करते हैं? तो ये है गुरुजी निवास और ये भी अच्छा लग रहा है। हमें तो लगा था ये होटल कुछ है। ये देखो, हम दोनों ने शूट कर रहे हैं। यहाँ से सनसेट भी होते हुए दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये पूरा यहाँ पे सोलार पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पे नीचे भी पेंटिंग गैलरी, फोटो हॉल, वीडियो हॉल है, तो चलो उसके अंदर भी चलते हैं। यहाँ पे हमें बड़े जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है क्योंकि बोला है कि आप जल्दी से खाली कर दो इसको, टेंपल को बंद हो रहा है। मुझे यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं, ये देखो, ये देखो टेंपल का फोटो। आप लोगों ने सुना हो, दीदी ने बोला चलिए चलिए बंद हो गया। चलो मुझे खुला है, थैंक गॉड। ये देखो फटाफट से दिखाता है, देखो बहुत लोगों की यहाँ पे पेंटिंग है। ये देखो बहुत सारी पेंटिंग है, ये पूरा बड़ा सा हॉल है और पूरा हॉल सिर्फ पेंटिंग से भरा हुआ है। इतनी पेंटिंग मैंने पहली बार देखी। और यहाँ पे है ये गोंग टावर, ये देख सकते हो। और यहाँ पे एक और बड़ा प्यारा सा स्टैचू है बुद्धा का। स्टैचू के बगल में ही है फूड प्लाजा, तो चलो फूड प्लाजा के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है खाने में। और ये खाने का पूरा मेन्यू है, आपको हर टाइप की डिश मिलेगी, पाव भाजी, चाइनीज, चाट। तो ये है यहाँ का कैश काउंटर, यहाँ पे हमें लाइन लगानी है और अपना पेमेंट करना है। उसके बाद हमें जो भी खाना है हम सेकेंड और थर्ड काउंटर से ले सकते हैं। तो अभी सब बंद होने वाला है, फ्राइड राइस, नूडल्स कुछ भी नहीं था, तो हमने दो प्लेट इडली और एक कप चाय ले लिया और हमें यहाँ पे बिल भी मिल गया। तो गाइस यहाँ पे हमें लूट लिया गया है क्योंकि ये पूरा 80 रुपये का दो प्लेट इडली मिला है, मतलब एक इडली 20 रुपये की, एक प्लेट 40 रुपये का और हमने दो प्लेट लिया तो 80 रुपये का हुआ। हमें तो लूट लिया गया, पर चाय 10 रुपये की है। चलो खा के देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है जो बंद हो रहा है, तो भाई साहब हमें भगा रहे हैं, बोल रहे हैं जाओ जाओ बंद हो रहा है। निकल
सुबह 9 बजे शाम को 7 बजे। अच्छा, सुबह ये 9 बजे खुलता है और 7 बजे ये बंद हो जाता है एकदम एंड। तो तब तक वॉचमैन अंकल की ड्यूटी है सबको यहाँ से खाली कराना, तो हमें भी ये भगा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे स्टैचू और यहाँ पे आप सारे ये स्टैचूज, कैप, ज्वेलरी सब ले सकते हो, न्यू न्यू स्टाइल में कपड़े भी है। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट है, इतनी प्यारी है कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने पापा से बोला 550 की है। अब ये देखो शादी को ये डमरू जैसा कुछ तो दिख गया, कैसे काम करता है हमें नहीं पता। तो आज हमने पगोड़ा टेम्पल को एक्सप्लोर किया और ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और शायद ये हमारा फर्स्ट टाइम था हम टेम्पल के अंदर गए कोई, और ये टेम्पल काफ़ी खूबसूरत बना, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी यहाँ आओ और इन्जॉय करो उसकी खूबसूरती को। और अभी ये बंद हो रहा है, 7 बज चुके हैं, तो हम भी इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। इसके पास में ही वॉटर किंगडम है, तो आप वहाँ पे भी घूम सकते हो इसके साथ साथ में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। थैंक यू, बाय।